एवरीवन, माय नेम इज सुप्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे हमारे एंजल्स हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। वो हमसे प्यारी प्यारी बातें करना चाहते हैं हमेशा, बट हम ही हैं कि हमारे जीवन में इतने बिजी है कि हमारे प्यारे एंजल से बात करने के लिए, उनका गाइडेंस जानने के लिए हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। इसलिए हम आज की रीडिंग का सहारा लेंगे और एंजल से प्यारी प्यारी बातें करेंगे और उनसे गाइडेंस मांगेंगे। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो मैं आपको बता दूँ, इस चैनल के ऊपर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, स्पिरिचुअलिटी एंड टैरोट कार्ड रीडिंग रिगार्डिंग वीडियोज लाती रहती हूँ। तो अगर आपको टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं डेली बेसिस पे कंटेंट बनाती हूँ जिससे काफी लोग पसंद करते हैं। आई एम सो हैप्पी कि मतलब मैं इतना सारा कंटेंट और इंफॉर्मेशन आप सब लोगों तक पहुंचा पाती हूँ। आप सब लोगों का टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने पहले ही कार्ड्स को शफल करके 3 कार्ड निकाल के रखे हैं। अभी हमारी रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं हमारी पहली रीडिंग में पहला कार्ड क्या कहता है। ओ माई गॉड, सच अ लवली कार्ड, रोमांस। सो दोस्तों, अगर आप, दिस इज़ अ ऑब्वियसली टाइमलेस रीडिंग, तो जब कभी भी आपके जीवन में ये वीडियो पॉपअप हो रहा है तो दिस कार्ड इज फॉर यू गाइज। रोमांस, आपके जीवन में अभी एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है या फिर आप उस मोड पे खड़े हो दोस्तों, जब आपके जीवन में रोमांस एंटर करने वाला है, प्यार, लव एंटर करने वाला है। ये सारी चीज़ें जो है ना, अपने आप हो जाएगी दोस्तों। कई बार आपकी ज़िंदगी में देखते हो ना, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहती, चीज़ें अपने आप अपनी जगह पे सेटल हो जाती है और आपको आउटकम दिखाई देता है। वैसे ही अगर ये कार्ड अभी आपके लाइफ में आया है तो आप मतलब किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप के लिए ट्राई कर रहे होगे, किसी को पूछ रहे होगे, बट कई दिनों से आंसर नहीं आ रहा होगा। सो देर आर अ चांसेस कि आंसर आ जाए। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो सो दिस इज़ द राइट टाइम, प्रपोज कर सकते हो आप, क्योंकि आपकी लाइफ में रोमांस एंटर करने ही वाला है। सो बी वेरी कॉशियस कि जब आप इस सिचुएशन में हो, थोड़ा सा दिमाग से भी काम लीजिए, क्योंकि प्यार के मामले में दिमाग काम करना बंद कर देता है और बस दिल ही धड़कता रहता है। सो रोमांस इज गोइंग टू एंटर इन योर लाइफ, थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा पॉजिटिवली इस कार्ड को। ऑब्वियसली सब लोग लेंगे, आई नो, बट फिर भी मेरा बताना काम है, सो आई जस्ट इन्फॉर्म्ड यू। कॉम्प्रोमाइज, सी अब तक आपने बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा, तो मतलब उनके कॉम्पनसेट के रूप में अभी आपके जीवन में जो रोमांस आ रहा है, यूनिवर्स भेज रहे हैं, वो अनकंडीशनल होगा, अनबीटेबल होगा, मतलब उसका कुछ भी तोड़ नहीं होगा, ये होगा ही होगा आपकी लाइफ में दोस्तों। तो खुश हो जाइए। अ पार्ट ऑफ दैट, आपने सोचा होगा कि मेरा प्यार ऐसा होगा, मेरा प्यार वैसा होगा, और समथिंग लाइक, आई गेस आज की तो पूरी रीडिंग ही लव रीडिंग होने वाली है। आई डोंट नो हाउ मतलब एंजल्स ने ये सारे कार्ड दिए हैं। तो आपने सोचा होगा कि प्यार होगा तो वैसे होगा, वैसे होगा, ऐसे नहीं होता दोस्तों। एंजल्स का प्लान मास्टर प्लान रहता है, वो आपके प्लान के हिसाब से नहीं चलता है। सो आपके प्लान में आपको थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि एंजल्स ने आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा प्लान करके रखा है। आपने सोचा होगा कि अगर मैं प्रपोज कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो ऐसा होगा, वैसा होगा, बट हाउएवर जिस समय आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में प्यार एंटर कर चुका है, आपने आपके प्यार को प्रपोज किया है, वो एरा ही अलग होगा, वो मूमेंट ही अलग होगा। सो बी रेडी कि कुछ तो मतलब सुंदर सा आपके जीवन में होने वाला है, ठीक है? यस, ओके। तो मतलब देयर इज अ वन मोर कंफर्मेशन कार्ड कि ये होगा ही होगा दोस्तों, रोमांस आपके लाइफ में आने वाला है। आई डोंट थिंक कि मुझे इस रीडिंग को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है रोमांस कहने के बाद, एंड मैंने मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कार्ड एक्सप्लेन करने के बाद हर किसी को समझ आया होगा कि मतलब देर आर नो चांसेस कि कोई आपको मना बोले, आपके प्रपोजल को ठुकराए, या फिर अगर ऐसा होता है देन दैट विल बी द कॉम्प्रोमाइज़, बिकॉज यूनिवर्स नहीं चाहते कि दैट पर्सन बिलोंग्स टू यूर लाइफ। आपको उससे कई ज्यादा अच्छा पर्सन मिलने वाला है, दैट इज 100% गारंटेड। यू डिजर्व, लाइक देखो, अगर आप देखोगे सो देर इज अ बैलेंस इन एवरीथिंग, देर इज अ बैलेंस इन एवरीथिंग, देर इज अ बैलेंस इन, दोनों लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने चाहिए। सन मून एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तराजू के दो पहलू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। अगर आप देखोगे तो प्यार करने के लिए, रोमांस करने के लिए दो लोग चाहिए रहते हैं। तो ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपका पार्टनर जो कोई भी होगा, आपका कनेक्शन उनके साथ इतना जबरदस्त होगा दोस्तों कि आपने कभी
सोचा भी नहीं होगा कि मेरी जिंदगी इतने प्यार से भर जाएगी। आज की ये रीडिंग करके मुझे मतलब मेरे गाल दुख रहे हैं, मैं हर सेंटेंस के साथ स्माइल कर रही हूँ, आई डोंट नो व्हाट टू डू, बट थैंक यू सो मच। मैं आप सब लोगों को बोलूँगी कि मैं आप सब लोगों की वजह से इतनी प्यारी प्यारी रीडिंग कर पा रही हूँ, एंड मैं एंजल्स आपको भी थैंक यू बोलूँगी कि आपने मतलब इतना बैलेंस के साथ आज की रीडिंग के लिए कार्ड निकाले हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आज की रीडिंग आप सब लोगों को पसंद आए। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, आई रेजोनेट विद दिस रीडिंग। आप हिंदी में भी कमेंट कर सकते हैं कि मैं इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, मैं आप सब लोगों को मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी एंड कीप मैनिफेस्टिंग। बाय गाइज़।